दोस्तों इमेजिन करो आप एक एंट्रेंस एग्जाम लिखने जाते हो और उस एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आते हैं 200 में से 200, लेकिन फुल मार्क्स आने के बावजूद भी आप क्वालिफाई नहीं करते, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना ये, लेकिन हमारे देश में ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही के SSC CGL एग्जाम रिजल्ट्स में। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों ट्विटर पे नंबर वन ट्रेंड चलने लग रहा है #मोदी रोजगार दो। 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट शायद आज के दिन भी, जिस दिन आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, ट्विटर पर ये भी ट्रेंड करने लग रहा होगा। क्या रीजन है इसके पीछे कि लाखों स्टूडेंट्स इतने नाराज हैं मोदी सरकार से, और इसका SSC के एग्जाम रिजल्ट से क्या लेना देना है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कई सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में सरकारी नौकरियों के लिए। इनमें से एक मेजर एग्जाम है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लिखते हैं एक रिस्पेक्टेबल सरकारी नौकरी पाने के लिए। SSC CGL एग्जाम की प्रॉब्लम्स को लेकर आपने पहले भी न्यूज में सुना होगा। आज से 2 साल पहले स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा पेपर लीक हुआ था इनके एग्जामिनेशन में और इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर करप्शन के एलिगेशन भी लगे थे। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था 2018 में इसको लेकर, अगर आपको याद हो तो। लेकिन आज की प्रॉब्लम उससे थोड़ी डिफरेंट है। करंट इशू पर आए तो SSC CGL 2019 टीयर 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को। इन एग्जाम के रिजल्ट्स बताए गए, डिक्लेयर किए गए 19 फरवरी 2021 को, और इसी के बाद ये मोदी रोजगार दो की कैंपेन शुरू हुई। तो क्यों शुरू हुई ये कैंपेन? क्योंकि स्टूडेंट्स अलेज करते हैं कि इनके मार्किंग प्रोसेस में बहुत भारी इररेगुलरिटीज है। असल में बात क्या है दोस्तों, SSC CGL का सेम एग्जाम अलग अलग दिन मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया जाता है। स्पेसिफिकली 3 शिफ्ट में ये टीयर 2 का एग्जाम कराया गया, 15, 16 और 18 नवंबर को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाए इन तीनों दिन, क्योंकि जो जो बच्चे 15 को लिखेंगे वो 16 और 18 वो लोग को एग्जाम पेपर लीक कर सकते हैं। तो तीनों दिन अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये सारे बच्चे सेम रैंकिंग में आएंगे, सबका सिलेक्शन इकट्ठे किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो सकते हैं। मान लो जिन लोगों ने 15 नवंबर को लिखा उनका क्वेश्चन पेपर आसान आया, 16 नवंबर वालों का थोड़ा मुश्किल हो गया। अब इन सब बच्चों को एक रैंक में, एक लिस्ट में जज करना है साथ में, कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सरकार ने एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका निकाला कि सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर लिखेंगे उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हें कैसे इक्वलाइज किया जाए। स्टूडेंट्स के मार्क्स आने के बाद इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने का एक फॉर्मूला है जो SSC लगाता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला यह है, जो कि बेस्ड है अपॉन एवरेज मार्क्स जो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा उनकी एवरेज आई उन मार्क्स की 120 out of 200, दूसरी शिफ्ट की एवरेज आई 100 out of 200। तो इसे देखकर आप बता सकते हो कि जो दूसरी शिफ्ट वाला एग्जाम पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो ज्यादा डिफिकल्ट था पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो इन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा, स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स में मार्क्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे इस डिफिकल्टी लेवल को कॉम्पनसेट करने के लिए। क्योंकि दूसरी शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के ऑन एवरेज कम मार्क्स आए, इसका मतलब वो पेपर ज्यादा मुश्किल था, तो इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए जाएंगे इक्वलाइज करने के लिए। अब हुआ क्या, जो 15 और 16 नवंबर 2020 को शिफ्ट हुई थी उनका क्वेश्चन पेपर नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल का था, लेकिन जो 18 नवंबर 2020 को शिफ्ट हुई उनका क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था, ऐसा स्टूडेंट्स और टीचर एलेज करते हैं। ऐसे सिनेरियो में जब डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा डिफरेंट होता है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये बड़े अजीब अजीब रिजल्ट्स देने लग जाता है। स्टूडेंट्स ने अलेज किया है कि कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने 15-16 को दिया था उनके 100 मार्क्स तक एक्स्ट्रा ऐड किए गए, और कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने 18 को दिया था उनके 50-60 मार्क्स तक सब्ट्रैक्ट किए गए। और एक केस में यह भी अलेज किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट के 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए, यानी फुल मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो एक स्टूडेंट एक्स है जिसके 190 आउट ऑफ 200 आए और एक स्टूडेंट वाई है जिसके 140 आउट ऑफ 200 आए। दोनों ने अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम दिया, कट ऑफ मार्क्स थे 80%, 160 की जरूरत थी क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद एक्स के 100 से मार्क्स कम हो गए, 90 फाइनल मार्क्स बने, और वाई के 50 से ऐड हो गए, 190 बन गए। तो वाई क्वालिफाई कर गया और एक्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि रियलिटी में शायद लाइकली चांस तो यही है कि एक्स एक बेटर स्टूडेंट था क्योंकि उसके 190 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं यहां पर।
कुछ लोग सवाल उठाते हैं एसएससी पर कि जरूरत ही क्या है अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिन एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की, सेम दिन क्यों नहीं करवाए जा सकते एग्जाम्स कंडक्ट। और ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी अपना एक प्री एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसमें 4 लाख स्टूडेंट्स पर डे एलिजिबली एग्जाम देते हैं, और टीयर टू के एग्जाम में उससे काफी कम संख्या है स्टूडेंट्स की, तो पॉसिबल तो है ये कंडक्ट करवाना। लेकिन इन एनी केस दोस्तों, ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स ने और भी कई इश्यूज उठाए हैं एसएससी की फंक्शनिंग को लेकर, इररेगुलरिटीज को लेकर। एक और बहुत बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स उठाते हैं कि रिजल्ट्स को कभी टाइम पर नहीं डिक्लेयर किया जाता एसएससी के द्वारा। कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं दोस्तों, कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो 2018 में हुए थे और जिनका 2021 तक में रिजल्ट नहीं आया। उन एग्जाम्स का जो 2018 वाला साल था वो सोचकर देखो, जो स्टूडेंट्स उस साल एग्जाम्स लिख रहे थे वो होप कर रहे होंगे कि अगले साल तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि हम क्वालिफाई करें या नहीं करें। लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं आते तो उन्हें अगले साल का भी एग्जाम लिखना पड़ता है स्ट्रेस में आकर कि शायद हम क्वालिफाई ना करें, हम एक और बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। जब फिर साल गुजर जाता है, उसके रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर सोचते हैं कि एक और बार एग्जाम लिख लेते हैं, शायद उसमें क्वालिफाई नहीं करें तो इसमें कर लेंगे। इमेजिन करके देखो, यहाँ पे सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स के लिए रिजल्ट्स ही नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं सालों तक। सोचकर देखो दोस्तों, कैसा देश है हमारा जहां पर पिज्जा की डिलीवरी 30 मिनट में आ जाती है, इलेक्शन के रिजल्ट्स 7 दिनों में आ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं वो सालों तक नहीं आते। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने उठाई है कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट ही नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, मान लो यहां पर 10,000 वेकेंसीज हैं एक जॉब के लिए, इन सरकारी नौकरियों के लिए, इतने स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं, क्लियर करते हैं, और टॉप 10,000 को यहां पर ये सरकारी नौकरियां मिल जाती है। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ये नौकरियां नहीं लेना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं, तो यहां पर एक वैकेंसी खाली हो गई, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी करी जाती है कि यहां पर वैकेंसीज खाली हैं, तो आकर जो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रैंक में स्टूडेंट्स थे उन्हें ये नौकरी दे दो। लेकिन ऐसा कोई इंतजाम कर ही नहीं रखा सरकार ने, अगर यहां पर कोई भी वैकेंसी खाली पड़ती है तो उसे खाली ही रहने दिया जाता है। चौथी प्रॉब्लम, एसएससी पर करप्शन का आरोप लगाया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट्स कहते हैं आमतौर पर जब भी कोई गलत क्वेश्चन निकलता है पेपर में, अगर कुछ भी गलती निकलती है पेपर में, तो स्टूडेंट्स उसे चैलेंज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है यहां पर। लेकिन चैलेंज करने के लिए कैंडिडेट्स को ₹100 पर क्वेश्चन या पर आंसर देने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर का दावा है कि एसएससी ने इसे पैसे कमाने का धंधा बना लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर एसएससी सीजीएल 2019-20 टीयर 1 एग्जाम में 11 ऐसी प्रॉब्लम्स थी। अब इमेजिन करके देखो, 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उस एग्जाम को देने बैठे थे, उनमें से एक फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स भी अगर इन 11 क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे कि ये गलत क्वेश्चन था, ये गलत आंसर था, तो सोचकर देखिए कितने पैसे बनते हैं यहाँ पर। और फाइनली एक बुनियादी प्रॉब्लम, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने उठाई है एसएससी को लेकर, कि साल भर साल वेकेंसीज नीचे जाती जा रही हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं। अगर आप 2013 से 14 से कंपेयर करोगे आज के दिन को, तो टोटल नंबर ऑफ वेकेंसीज जो हैं एसएससी में वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी हैं। और ये एक ऐसी सरकार थी दोस्तों, याद रखो यहां पर कितनी जॉब्स की प्रॉमिस करी थी जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में इलेक्शन जीती थी। तो और यही रीजन है दोस्तों कि ट्विटर पर हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था। ये जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, ये सीधे सीधे तौर पर यहां पर बढ़ते हुए दिख रही है। कुछ स्टूडेंट्स और टीचर यहां पर प्राइवेटाइजेशन को भी ब्लेम करते हैं, जो सरकार रिसेंटली करने लग रही है, अपने हर नए बजट में बताती है कि कितनी सरकारी कंपनीज ये प्राइवेटाइज कर देंगे, तो ये सरकारी नौकरीज भी वहां से गायब हो जाती हैं। तो यही रीजन है दोस्तों कि ट्विटर पर मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था। ये जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, ये घटती वेकेंसीज इसका एक बड़ा सही उदाहरण है। तो क्या सोल्यूशन है इन सारी चीजों के दोस्तों? कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तो काफी आसान है, लेकिन नियत चाहिए सरकार की तरफ से करने की। टाइम पर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं, टाइम पर इनके रिजल्ट्स निकाले जाएं, टाइम पर इनकी पोस्टिंग्स करी जाएं, एक वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए। ये चीजें करनी कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर एक इतना बड़ा एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा जा रहा है, तो टाइम पर उसका रिजल्ट देना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। साथ ही साथ ये जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इन्हें एक ही दिन कराया जाए, और ये जो 18 नवंबर वाली एग्जाम की प्रॉब्लम थी उनका एग्जाम दोबारा से कराया जाए, ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। दूसरी तरफ बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट इससे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको सॉल्व करने में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज लगेंगी सरकार की तरफ से, और जनता की तरफ से प्रेशर भी लगेगा। अगर जनता अपनी आवाज नहीं उठाएगी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर, तो सरकार इन पर कभी एक्शन भी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार फिर अपने वही स्टैचूज और मंदिर मस्जिदों में ही बिजी रहेगी अगर जनता उसी से ही खुश है तो। इसीलिए इन इश्यूज पर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आया दोस्तों। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या YouTube पे मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।